ये कहानी है भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले जा रहे उस रोमांचक मैच की, जब अपने घरेलू मैदान पर न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 314 रनों का एक पहाड़ भारत के सामने खड़ा कर दिया था, जिसके जवाबी कार्रवाई में भारत की शुरुआत तो दमदार होती है, लेकिन फिर टीम इंडिया ताश के पत्तों की तरह ढककर बैक टू बैक अपना विकेट खोते चली जाती है। रोहित शर्मा, शिखर धवन, विराट कोहली, अजिंक्य रहाणे, सुरेश रैना और महेंद्र सिंह धोनी जैसे धुरंधर काफी सस्ते में ही पवेलियन वापस लौट चुके थे। तब दुनिया के बड़े से बड़े क्रिकेट पंडितों के अनुसार भारत ये मैच हार चुका था, लेकिन तभी मैदान पर बल्लेबाजी के लिए आते हैं अश्विन और जडेजा, जिन्होंने हारे हुए उस मैच में बल्ले से ऐसा कोहराम मचा दिया था कि जड्डू और चचा अश्विन के मुंह ताकते रह गई थी न्यूजीलैंड की टीम। जडेजा और अश्विन की तबाही मचा देने वाली इस विस्फोटक पारी का पूरा हाईलाइट वीडियो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइक कर हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो भैया, इस मैच का हाल कुछ ऐसा था कि न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए मार्टिन गप्टिल के ताबड़तोड़ 111 रनों की तूफानी पारी के बदौलत 314 रनों का एक विशाल टारगेट भारत के सामने रख दिया था, जिसके जवाबी कार्रवाई में हिटमैन रोहित शर्मा और शिखर धवन भारतीय पारी की शुरुआत करते हैं और रोहित शर्मा ने एक बेहतरीन छक्के के साथ अपने पारी का आगाज भी कर दिया था। रोहित और धवन की जोड़ी शुरुआत से ही न्यूजीलैंड के गेंदबाजों को सेट होने का कोई मौका नहीं दे रही थी। खासकर रोहित काफी अग्रेसिव नजर आ रहे थे, जो बैक टू बैक छक्कों में डील करके जलवा जलाल किए जा रहे थे। इन दोनों बल्लेबाजों ने भारत को बेहतरीन शुरुआत दिलवाते हुए 9 ओवर में ही भारत के स्कोर को 64 रनों तक पहुंचा दिया था, लेकिन फिर पारी के 10वें ओवर में शिखर धवन 28 रन बनाकर एंडरसन के शिकार हो जाते हैं। और फिर जब भारत का स्कोर 72 रन पर होता है, तब रोहित शर्मा भी बड़ा शॉट लगाने के प्रयास में 39 रन बना करके आउट हो जाते हैं। तब भारतीय फैंस को विराट कोहली से काफी उम्मीद था कि कोहली यहां से भारत की लड़खड़ाती हुई पारी को संभाल लेंगे, पर दुख की बात ये थी कि कोहली भी अपनी पारी को विराट नहीं बना पाते हैं और 20 बॉल पे मात्र 6 रन बनाकर कोहली भी टीम इंडिया को संकट में छोड़ पवेलियन वापस लौट जाते हैं। टीम इंडिया तब इस प्रेशर से बाहर निकलने का प्रयास कर ही रही थी कि तभी अजिंक्य रहाणे भी 14 बॉल पे मात्र 3 रन बना करके भारतीय पारी को बीच मझधार में छोड़ चले जाते हैं। हालांकि यहां से सुरेश रैना के साथ मिलकर महेंद्र सिंह धोनी ने भरपूर कोशिश करी भारत को इस मैच में वापसी कराने की। तब धोनी और रैना के बीच बढ़ती साझेदारी और बैक टू बैक आता बाउंड्री से भारत इस मैच में वापसी भी करने लगा था। एक तरफ रैना तेरा क्या कहना वाले अंदाज में बल्लेबाजी किए जा रहे थे, वहीं धोनी का हेलीकॉप्टर शॉट गेंद को उड़ा उड़ा करके स्टैंड में डाले जा रहा था, लेकिन फिर पारी के 28वें ओवर में सुरेश रैना भी धोनी का साथ छोड़ देते हैं और 146 के स्कोर पर रैना के रूप में भारत को 5वां झटका लग जाता है। हालांकि यहां से आगे भी धोनी ने अपना आक्रामक रुख अपनाए रखा और अपना अर्धशतक भी धोनी ने पूरा कर लिया था, लेकिन जब भारत का स्कोर 184 रन पर था, तब धोनी भी एंडरसन का शिकार बन जाते हैं और तब लगभग पूरी दुनिया ने इस मैच में भारत की हार को तय भी कर दिया था। लेकिन कहते हैं ना कि जो अपनी आखिरी सांस तक लड़े, वो जज्बा तो सिर्फ एक हिंदुस्तानी में ही हो सकता है। तब टीम इंडिया के इस बुरे वक्त में एक छोर से चचा अश्विन ने तो दूसरी छोर से रविंद्र जडेजा ने भारतीय टीम के मोर्चे को संभाला और कहा कि हम इस मैच में पूरे जज्बा के साथ लड़ेंगे। फिर क्या था, यहाँ प्रहार करने का जिम्मा अश्विन ने अपने हाथों में लेते हुए गेंद को 4 रनों के लिए सीमा रेखा के बाहर का रास्ता दिखा दिया और फिर दूसरी छोर से जडेजा का लेट कट फील्डर की भरपूर कोशिश, लेकिन गेंद जाएगी जडेजा के खाते में देकर पूरे के पूरे 4 रन। एंडरसन जो पहले हीरो बन तबाही मचा रहा था, उसकी अब धागे खोल पिटाई शुरू हो चुकी थी। अश्विन ने बड़ी ही चलाकी से गेंद को बाउंड्री के बाहर भेज 4 रन भारत के खाते में और जोड़ दिए। यहाँ न्यूजीलैंड के गेंदबाजों को बचने का कोई चांस नजर नहीं आ रहा था, क्योंकि दोनों छोरों से अश्विन और जडेजा जलवे जलाल किए जा रहे थे। न्यूजीलैंड के गेंदबाज आखिर बचते तो किससे बचते, क्योंकि यहाँ एक शेर था तो दूसरा सवा शेर। ये दोनों बल्लेबाज कीवी गेंदबाजों को ईंट का जवाब पत्थर से दिए जा रहे थे।
इसी बीच यहाँ जडेजा ने एक बार फिर से एंडरसन को क्लच में लिया और लॉन्ग ऑफ के ऊपर से गेंद को मैक्सिमम के लिए भेज 6 रन एंडरसन के खाते में और दर्ज कर दिए। और फिर दूसरी छोर से चचा अश्विन ने भी एक बेहतरीन स्वीप शॉट खेल 4 रन बटोरी और इसी के साथ चचा अश्विन ने अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया था। और उसकी अगली ही गेंद पर अश्विन के बल्ले से निकला एक और चौका। अब भारत काफी हद तक इस मैच में वापसी कर चुका था क्योंकि अगले ओवर की शुरुआत भी जडेजा ने बुलेट की रफ्तार वाले चौके से कर दी थी। और फिर अश्विन ने चहलकदमी करते हुए गेंद को हवा में उठाकर जोरदार प्रहार किया और देख लो भैया, लॉन्ग ऑन के ऊपर से ये है चचा अश्विन का सुपर सोनिक छक्का। लेकिन उसकी अगली ही गेंद पर अश्विन एक और छक्का लगाने के प्रयास में गेंद को हवा में मार बैठते हैं लेकिन ठीक बाउंड्री पे मैक्यूलम ने मगरमच्छ की तरह झपट्टा मार करके अश्विन का कैच पकड़ लिया। लेकिन जाने से पहले अश्विन ने 46 बॉल पे 65 रनों की विस्फोटक पारी खेल भारत के स्कोर को 269 रनों तक पहुंचा दिया था। लेकिन भारत के लिए खुशी की बात ये थी कि जडेजा अंत तक क्रीज पर डटे रहे और उन्होंने न्यूजीलैंड की गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए भारत को ये मैच हारने से बचा लिया। हालांकि भारत ये मैच जीत नहीं पाता है, आखिरी गेंद पर सिंगल लेकर भारत ने भी ठीक 314 रन स्कोर बोर्ड पर लगाए जिससे इस मैच को टाई यानी कि ड्रॉ पर छोड़ दिया जाता है। लेकिन जिस बहादुरी से अश्विन और जडेजा ने भारतीय पारी को यहां तक पहुंचाया, इन जाबाज खिलाड़ियों के नाम इस वीडियो पे एक लाइक जरूर दीजिएगा और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे भी गुजारिश है कि सब्सक्राइब वाला बटन दबाकर हमें सपोर्ट जरूर करिएगा। आपके प्यार और आपके सपोर्ट के लिए मैं सदा आपका आभारी रहूंगा। इस वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।